हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं कैंसर का, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च. दिस इज गोइंग टू बी अ mammoth 3 times bigger than शौकत खानम कराची, because I'll be honest, हमारे जैसे लोगों के बच्चे नहीं करेंगे चेंज, because they are not here to change. इमरान खान की हुकूमत थी तो हमने बिल्कुल ओपनली टेबल पे बैठ के या मैंने ऑफ़र की, ये करिकुलम आपका है, ये इम्प्रोवाइज हो गया, अच्छा हो गया. द लव ऑफ दिस कंट्री, ऑनेस्टली मैं तो मिसफिट हो जाऊं अगर मैं इस मुल्क को छोड़ दूं. मेरा नाम उन्होंने गन्ने की मशीन रखी, बोले सब कर लेते हैं, जब फिर मेरे पास लाते हैं उसको, बोले अब मुश्ताक साहब से अब बात करो, तो वो मैंने कहा डिस्काउंट दे दिया, अब तुम डोनेशन क्या देते, ज़कात क्या देते, कुछ तो निकालते हो, चेक लिखो. My name is Faizan Sayyed, founder and CEO of East River, और आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसने इस मुल्क के लिए इतना काम किया है एजुकेशन और हेल्थ में कि आपको यकीन नहीं आएगा. यकीन आएगा एपिसोड पूरा जब आप देखेंगे. मेरे सामने बैठे हुए हैं फाउंडिंग डायरेक्टर द सिटीजन्स फाउंडेशन और चेयरमैन पेशेंट एड फाउंडेशन मुश्ताक चापरा साहब. हाउ आर यू टुडे? मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. पहले आप सबको मेरा सलाम, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी. थोड़ी टाइम लग गया लेकिन मैं आ गया. वैसे नहीं, बिल्कुल आपने जो टाइम दिया बिल्कुल उसी टाइम पे आए, लेकिन और आपने इतना कुछ अचीव किया हुआ है, इतना काम किया हुआ है, लेकिन मैं अभी उस काम की बात नहीं करूँगा. सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हफ्ते में 6 दिन गोल्फ़ खेलते हैं? एवरी डे रूटीन है ये आपका? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी मॉर्निंग. एक्चुअली मेरा बड़ी आसान फिलॉसफी है. हाँ. मैं इस उम्र पे पहुंचा हूँ कि जहाँ मैं जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, एक डिसिप्लिन ज़िंदगी में आ गया है, और मैं ऐसे टाइम पे गोल्फ़ खेलता हूँ जब कराची सो रहा होता है. तो किसी को तकलीफ़ नहीं है, मेरे अलावा किसी को तकलीफ़ नहीं. Right. तो मैं ये चाहता हूँ कि सुबह मैं 6 बजे जब गोल्फ़ शुरू करता हूँ तो अच्छी चीज़ें, हरी हरी घास देखने मिलती है, चिड़िया की चहचहाट देखने मिलती है, और इतना खूबसूरत मौसम. और फिर मैं जब वहाँ से गोल्फ़ क्लब से निकलता हूँ सीधा जिन्ना हॉस्पिटल के दरवाजे पे पहुँचता हूँ, तो मेरा जहन बिल्कुल एग्रेसिव और फ्रेश होके लोगों की पूछताछ करना शुरू कर देते. सो आई थिंक गोल्फ़ जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम हिस्सा है. इस अप्रोच से बेनिफिट क्या मिलता है इन द रेस्ट ऑफ योर डे, इन योर वर्क डे, इन योर फैमिली डे, दैट दोज 3 hours इन द मॉर्निंग? 3 घंटे लगते होंगे ना, 3 से 4 घंटे प्रॉब्लम. वेल, हम खेलते हैं 9 होल. राइट. और 9 होल टेक्निकली 2 घंटे का खेल है. लेकिन वो 2 घंटे खेल जो है वो फिर उसके बाद शावर, चेंज, ब्रेकफास्ट, फ्रेंड्स हमारे होते हैं, एक 10-12 हमारे जैसे लोग हैं जो सुबह के गोल्फर्स हैं, उनके साथ गपशप लगती है, सियासत पे बात होती है और वेरियस टॉपिक्स. तो उसमें ये है कि अच्छे माहौल में इंसान सुबह यानी सारी जो क्या कहते हैं कि जो अगलेनेस या कोई बुराइयां जो सामने होती हैं वो जहन से उतर जाती हैं. और आपस में अच्छे खुशगवार माहौल में इंसान फिर अपने कामों पे लग जाता है या शुरू कर देता है. तो आपने पूछा फैमिली, मुझे फैमिली का नहीं पता कि क्या है उनको फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट, मतलब उम्र हो गई मेरी, तो वो जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन गिव सो मच टाइम टू माई कॉजेज़, माई चैरिटीज़, एंड दैट इज़ ये बहुत बड़ी एक नेमत है, एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक वो है sort of इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से आई थिंक दैट इट्स अ पॉजिटिव नोट. No, absolutely, and that I want to get into that a little bit. You come from an industrialist family. Matlab, there was a business. You entered that business. You worked your way through that business. Most families के अंदर जब the son enters the business and they stay and they take over the business and they run the business, but you decided to contribute most of your time towards philanthropy. How did that transition in thinking take place? कि नहीं, मुझे वापस देना है, बिज़नेस को भी टाइम या तो कम देना है लेकिन ज़्यादा टाइम मुझे इस तरफ देना है। ये स्विच थिंकिंग में कब आई और कैसे आई और क्यों आई? अच्छा, इस सवाल के लिए मुझे थोड़ा सा आई हैव टू गो बैक, मतलब इन द सेंस के मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरे वालिद का एक कारोबार था टेक्सटाइल का, तो पहले 10 साल मेरी ज़िंदगी के उस कारोबार में गुज़रे। अच्छा, जब मेरी एंट्री उस कारोबार में जब हुई है, ऑलरेडी वो कारोबार एक परेशानी में, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट या लेबर के प्रॉब्लम्स और बहुत से मसले थे उसमें। तो एक तरफ से बड़ी दुश्वारी हुई, लेकिन दूसरी तरफ से एक बड़ी लर्निंग उसमें हमको मिली है मुझे कि किस तरह से लोगों के रवैया होता है जब इंसान परेशानी तकालीफ में होता है, तो लोगों के किस तरह से इरादे बदल जाते हैं। बैंकों का, या लोग जो क्रेडिट पे माल देते हैं, सामान देते हैं फैक्ट्रियों को, तो उससे बड़ा मतलब एक सबक इंसान को, यानी दैट मोल्डेड माय कैरेक्टर आई वुड से। 10 साल के बाद फिर मेरा And you were how old at this time? Very, very strange. I joined my father's business at the age of 17. Wow. And at 27, he told me that अब आप बेटा ये हालात बहुत बिगड़ गए हैं, अब बेहतर यही है कि ये कोलैप्स हो इससे पहले आप हट जाएं, अलग हो जाएं, अपना कोई कारोबार देख लें। अच्छा, तो कारोबार देख लेने के लिए तो एक धेला मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे वालिद के पास कोई कोई कंस्ट्रक्टिव या कोई जायदाद नहीं थी, या कोई बैंक बैलेंस या सेविंग्स नहीं थी कि वो कहते कि बेटा ये लो, इस पैसे से तुम कोई कारोबार शुरू कर दो। सिवाय इसके कि एक अल्लाह के फजलो करम से एक रेप्यूटेशन ऐसा था कि लोग जानते थे कि ये जो बात ज़बान देंगे या ये जो बात करेंगे वो उससे हटेंगे नहीं। तो दैट गोज़ अ लॉन्ग वे हमारे टेक्सटाइल ट्रेड में या कोई ट्रेड में आप ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही एक वालिद की इज़्ज़त और मेरा रवैया कि मैं गलत नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा या गलत बोलूँगा नहीं, इस माहौल से मैं। और आप हैरान होंगे मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्त पे मैंने और एक हमारे एक दोस्त थे जिसके साथ शराकत की थी, हम दोनों ने सोचा, एक मेरे दोस्त थे जर्मनी में, नॉन पाकिस्तानी, फुल थरो ब्लडेड जर्मन, और उसको मैं जानता था 5-6 साल से, उससे कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया था वालिद की फैक्ट्री के लिए। उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई देख अब मैं बिल्कुल तन्हा, ऊपर अल्लाह नीचे कोई है नहीं संभालने वाला, अब मेरे पास ये आइडिया है कि मैं सेकेंड हैंड टेक्सटाइल मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट करके बेच सकता हूँ, मेरी इतनी है, अगर तुम मेरा साथ तो, अगर तुम सपोर्ट करो। तो वो बंदा, वो अल्लाह का बंदा, उसने मेरा इतना साथ दिया कि 1976 से 1986 10 years वी वर पार्टनर्स एंड ही वाज फाइनेंसिंग द होल बिजनेस रियली। एंड वो अल्लाह का बंदा आज भी ज़िंदा है, और आज भी हमारे टर्म्स ऐसे हैं कि फैमिली टर्म्स हैं। वो पाकिस्तान आता है, मेरे घर रहता है, मैं जाता हूँ, मैं हर दफ़ा यूरोप जाता हूँ, मैं एक दिन के लिए भी उसको विज़िट करता हूँ क्योंकि खासा बीमार भी हो गया, अब उसके किडनी प्रॉब्लम भी हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक नॉन पाकिस्तानी ने मुझे ऐसे वक्त पे मेरा साथ दिया जब मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन। तो वो दौर भी देखा है, और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने इतनी मतलब तरक्की और इतना मतलब आई नेवर लुक्ड बैक, यानी कोई मसला ही नहीं, एक के बाद एक फैक्ट्री लगती गई। लेकिन वो दौर था कि जिस दौर में मेरे लिए एक स्ट्रगल रहा है फैमिली के लिए कि मैं चैरिटी बहुत कम, यानी देखिए हमारी कम्युनिटी, जैसा हम मेमन कम्युनिटी से हैं तो हमारे यहाँ ये बड़ा शुरू से एक दस्तूर रहता है। हम अपने घर में अपने वालिद को हमेशा से देखते थे कि हम बैठे हैं, फैमिली इज़ हैविंग डिनर, और कोई दरवाजे पे नौकर आया, कहने लगा साहब कोई खातून आई है, साहब आपसे मिलना चाह रही है। तो साहब ने खाना छोड़ा, जाके बड़े साहब ने उससे मिले, फिर आके कहने लगे कि यार उसका कोई घर में आग लग गई है और बच्चे बाहर बैठे हुए, उनको मदद चाहिए, मैं जा रहा हूँ उनकी हेल्प के लिए। तो हम तो शुरू से ज़िंदगी में अपने वालिद को एक रोल मॉडल की हैसियत से देखते आए और हम यही देखते आए कि वो कितना लोगों का विदाउट यानी सेल्फलेसली, कभी अपनी परवाह नहीं की, जो कुछ अपने पास है दोस्तों से मांग लिया, इससे मांग लिया, बता दिया कि ये करना है। तो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ एन इनग्रेनिंग, दैट वाज समथिंग, वो एक अपनी ज़िंदगी में या अपने जीन्स में एक शुरू से You've been seeing that growing up. ये हमारे यानी बिल्कुल घर में हमारे ये देखते हैं माएँ कि कुछ ना कुछ, तो वो एक पैरेलल में एक लेट्स से एक ट्रेनिंग इनग्रेन हुई विच यू ग्रो अप विथ, साथ में यू गॉट द ट्रेनिंग ऑफ बीइंग फाइनेंशियली वेरी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि जो फर्स्ट आपका स्टेंट था फादर के साथ वाज अ स्टेंट ऑफ डिफिकल्टी, एब्सोल्युटली, तो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वर्क अंडर कंस्ट्रेंट्स, एब्सोल्युटली, देन द सेकंड स्टेंट विथ योर पार्टनर फ्रॉम जर्मनी जहाँ पे आपने टेक्सटाइल मशीनरी ट्रेडिंग का काम शुरू किया, स्केल्ड अप। व्हाट वाज दैट पॉइंट के जहाँ पे सडनली दैट इंटरसेक्शन हैपेंड वेयर काम अच्छा हो गया है, आई हैव दिस इनग्रेन्ड थिंकिंग ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड गिविंग कि ये काम मुझे अब एट स्केल करना चाहिए, कि यू नो थ्रू लेट्स से द सिटीजंस फाउंडेशन, समथिंग बिफोर दैट हैपेंड। वो ये हुआ कि मैंने जैसा बताया कि हमारी कम्युनिटी है, बरादरी है, बहुत से होते हैं बरादरी, चीनी और बरादरी है, DW दिल्ली वाला बरादरी है, व्हाटएवर, हर कोई अपनी कम्युनिटी में कोई स्कूल चलाता है, कोई क्लिनिक चलाता है, कोई और विडोज़ की हेल्प करता है, बच्चों की तालीम स्कॉलरशिप मिलते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। तो हमारी भी कम्युनिटी का एक मेमन सेटअप है विद द नेम ऑफ पाकिस्तान मेमन जमात। माय फादर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट जमात फॉर 9-10 साल। तो एक किस्म से हमारे यानी बचपन में हम देखते थे वालिद साहब को भी कि वो जमात की एक्टिविटीज़ में, जमात के फंक्शंस में हमारा भी आना जाना रहता था। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जब अब्बा वहाँ से रिटायर हो गए, उन्होंने कहा नहीं अब मैं थक गया, अब मैं और आगे नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है बेटा, तुम जाके थोड़ा थोड़ा देखो काम, अगर तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप जनरल सेक्रेटरी बन जाए उसके। तो मैं कोई 6 या 7 साल उसका जनरल सेक्रेटरी, कम्युनिटी की जमात का जनरल सेक्रेटरी। तो वहाँ से मेरा जो ऑर्गेनाइज्ड चैरिटी या ऑर्गेनाइज सोशल वर्क का काम शुरू हुआ, वो हम पाकिस्तान मेमन जमात के प्लेटफॉर्म से वो शुरू हुआ। और वहाँ से स्केल के ऊपर काम नहीं, वो it was a closed community work, lekin and it was only for that community, for that community, right? वो because you know महदूद वसाइल थे, कोई लोगों से पैसे भी आते थे, तो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स, कितनी बड़ी कम्युनिटी थी, 1400-1500 फैमिलीज हैं उसमें। अच्छा, नॉट दैट बिग, नहीं छोटी, लेस देन 10,000। हाँ, बस 5-6 लोग अगर गिन लें तो 10,000 के अंदर। और भाई मेमन कम्युनिटीज जो है ना, अलग अलग 54 कम्युनिटीज हैं। There is a federation of Memon. There are 54 Memon community, Batwa and all. Khair, anyway, that's a lengthy argument, but I'm just telling you. So everybody has got a setup, right, and everybody helps their own. But during those 7-8 years, which I was a general secretary, ingrained हो गई social work. लेकिन साथ में ये भी एहसास हुआ कि यार काम करना है तो ये सिर्फ यार why for the community? Why not for everybody? Why not for the country? Why not for the city? Why not for the province? तो लेकिन उस वक्त पे समझ नहीं आ रही थी how to do it. अच्छा, ब्रेक थ्रू जो मुझे मिला, जो आप बात पूछ रहे हैं मुझसे, देखें एक पीरियड आता है कि जब भुट्टो साहब का जो दौर है उसमें मोस्ट ऑफ दी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, बोरी कम्युनिटी और मेमन कम्युनिटी, उनके इवन इंस्टीट्यूट्स आर नेशनलाइज, हमारे स्कूल नेशनलाइज, हाँ नहीं कम्युनिटीज प्रोजेक्ट्स में नेशनल, आई डिडंट नो दैट, बाकी सारी चीज़ें तो हो गई थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बाद में उन्होंने डीनेशनलाइज किया बहुत सालों के बाद, राइट। लेकिन फॉर ऑन अ स्टार्टिंग इन द 70s, अर्ली 70s, 72-73 में उन्होंने सारे आदमजी साइंस कॉलेज नेशनलाइज हो गई, दाऊद इंजीनियरिंग, दीज ऑल मेमन इंस्टीट्यूट्स मेड बाय फैमिलीज, राइट, दे वर ऑल नेशनलाइज्ड। सो वो आज भी नेशनलाइज्ड है, वो भी आज भी गवर्नमेंट के पास है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक माहौल जो हो गया कि सोशल वर्क और चैरिटी का एक लोएस्ट एक सिनेरियो आ गया। This is post national, right after nationalization. 72-73 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वो टाइम ऐसा था कि अब लोग कह रहे थे कि यार यहाँ इस मुल्क में क्यों पैसा डालें, हम सबको लोगों से पैसे मांग के भीख मांग के हम पैसे ला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते और अगर हुकूमत ने ले लेना है तो फिर तो यहाँ तो कोई काम होना नहीं। तो एक वेरी अजीब सा सिचुएशन, क्योंकि बहुत सी इवन बैंक्स भी बनाए थे मेमनों ने और वो भी। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि बड़ा अजीब माहौल हो गया, बड़ा अनसर्टनिटी जिसको कहते हैं, अनसर्टनिटी माहौल में थी कि कोई चैरिटी का काम नहीं करना चाहिए। 1985 में मेरे, आप शायद जानते होंगे, यहाँ एक ग्रुप है जाफ़र ब्रदर्स जो हैं, नासिर जाफ़र और हामिद जाफ़र, दो भाई, उन्होंने डॉक्टर जाफ़र नकवी के साथ मिल के यहाँ इनको ज़मीन मिल गई जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, और उन्होंने बुनियाद रखी किडनी सेंटर की। किडनी सेंटर एक अस्पताल बनना था और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में नासिर मेरे साथ बचपन से मेरा दोस्त, तो नासिर ने फ़ोन किया कि मुश्ताक तुम मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा भाई देखो मैं कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, मैं आ तो जाऊँगा लेकिन मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं आके कोई अनाउंस करूँ कि भाई 1 लाख 2 लाख 10 लाख दूंगा। बोले नहीं तुमको कुछ नहीं देना, तुम सिर्फ मेरा साथ दो, मैं चाहता हूँ कि इसका हम कोर ग्रुप बनाएं और इसमें तुम। दैट इज़ द बेसिक टर्निंग पॉइंट, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट वेयर दैट ऑल्सो इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर द सिटी ऑफ कराची। And this is the kid when the kidney center concept सामने आया, 85 उसकी बुनियाद रखी गई। अच्छा उसी दौरान जो है, you were about 35 at that point. Well, I was born 1949, so it was that something like that, 36, 35, whatever. So शायद और अरशद कुछ ही साल पहले पढ़ के आए थे शिकागो से, और इन्होंने अपनी आर्किटेक्चरल ऑफिस सेटअप की। तो नासिर ने और हम सब ने इनके ऊपर सेहरा डाला, ठीक है ना। इन्होंने एक पहले हॉस्पिटल डिज़ाइन किया था हब रिवर रोड पे, तो शायद और अरशद को ये किडनी सेंटर का प्रोजेक्ट दिया गया क्योंकि इनकी बड़ी नोवेल आइडियाज़ थी, बड़ी। अच्छा ये सिर्फ आर्किटेक्चर के चक्कर में नहीं, ये फिर एक हिस्सा बन गए, फंड रेजिंग का एक हिस्सा बन गए, अवेयरनेस क्रिएट करने का एक हिस्सा बन गया, यानी मतलब पूरी टीम का हिस्सा बन गए। अच्छा मेरा और शाहिद का उस वक्त तक कोई दोस्ताना, कोई एक परिचय, कोई मतलब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो अब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई। अब नासिर और ये इतने हम्बल और इतने समझदार लोग कि ये बिल्कुल पीछे रह के और काम लोगों से, और ये एक एक्सपोजर ऐसा मिला, इन्होंने मुझे पहला चेयरमैन बना दिया फ्रेंड्स ऑफ द किडनी सेंटर का। उसमें ख़वातीन ज़्यादा थी और उसमें काफ़ी शाहिद भी थे, शाहिद की वाइफ भी थी, मेरी वाइफ भी थी, और बहुत बेशतर दोस्त अहबाब। और वहाँ से ये गाड़ी शुरू हुई। और मैं बड़ा झिझकता था, मैंने कहा भाई देखो मेरी पब्लिक स्पीकिंग की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने कहा स्कूल में मैं स्टेज पे जाके घबरा जाता था, मैं स्टेज फ्राइट हो जाती थी, मैं फ्रीज हो जाता। मुझसे तब बोले आप चलो, आप कुछ नहीं करना, हम पीछे हैं ना। ये नासिर इतने होशियार और इतने समझदार, इन्होंने ऐसा मुझे और शायद और दूसरों को कोच किया, इन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया कि मैं आपके पास, और ये मैं इनको अभी भी कहता हूँ ये मेरे मेंटोर्स हैं। और ये जो मैं आज काम कर रहा हूँ इसमें इन अरशद अब्दुल्ला मेरे मेंटोर, शाहिद के बड़े भाई, और नासिर और हामिद जाफ़र ये भी मेरे बहुत दोस्त, और ये मेरे जिसको कहते हैं ना कि मेरे मेंटोर्स, मेरे 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 रोल मॉडल्स अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं आई वांट टू, बल्कि आपने अच्छी पॉइंट रेज किया एंड आई वांट टू जंप इनटू दैट बिफोर वी गो इनटू द TCF पार्ट। मेंटरशिप और मेंटरिंग, अ लॉट ऑफ पीपल मिस दैट इन देयर करियर्स, इन देयर लाइव्स, दे carry on without a mentor, without anyone giving them guidance, advice. How important is mentorship in building your career or building your legacy? And if you don't have a mentor, how do you find one? देखें, मैं आपको इसको थोड़ा सा, इसका सवाल का जवाब जो है ना, एक 85 में हमको समझ भी नहीं थी कि मेंटोरशिप क्या होती है. हाँ मैं ये अब आज मैं when I look in the hindsight exactly they were there behind and they were silent mentors. There was no formal, organized formal yeah, now your mentor ये करेंगे तो ये होगा वो करेंगे yeah. बिल्कुल इनफॉर्मली बैठ के. लेकिन देखें गाइडेंस इनकी इसलिए अच्छी है कि ये बड़ा एक कॉरपोरेशन चला रहे थे right. ठीक है ना. इनके पास एक विजन था ठीक है ना. इन्होंने अपने सारे वसाइल इनके दफ्तर को हम इस्तेमाल करते थे किडनी सेंटर के कामों के लिए. इनके एक एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर था उसको हम इनका सारा स्टाफ यानी यहाँ तक कि हम कोई फंड रेजिंग इवेंट करते थे उस वक्त पे एक वॉकथॉन बड़ा मशहूर हुआ था किडनी सेंटर के. 5-6 साल तक हमने किया बोर्ड बेसिन पे वॉकथॉन. तो वो सारी रात इनके सारा स्टाफ काम करता था, सारी गाड़ियाँ इनकी काम करती थी, इनके दफातर. और तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक हमको रास्ता दिखाया. तो जो आज हम देखते हैं कि ये कोई मेंटोर इस तरह से नहीं. और इनकी इस रिस्पेक्ट इतनी थी इस शहर में कि जब जाफ़र ब्रदर्स का या नासिर का या हामिद का नाम आता था तो सब जो हैं वो ये एग्री करते थे कि यार ये काम सही है, ये लोग अच्छे लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का दगा नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया. तो दैट इज़ नाउ कमिंग बैक टू हाउ इम्पोर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड और टुडेज़ टाइम आई थिंक कि मेंटोरशिप जो है ना इट इज़ टेकन अ प्रोपोर्शन या टेकन अ सीट विच इज़ वेरी डिफरेंट. ऑर्गेनाइज मेंटरशिप मैं सिटीज़न फाउंडेशन की बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि हमने कितने मेंटोर्स के साथ काम किया, कितने मेंटोर्स ने हमारे बच्चों के साथ काम किया और कितना सोफिस्टिकेटेड या कितना प्रॉपर प्रोग्राम मेंटरशिप का चल रहा है किडनी सेंटर सॉरी सिटीज़न फाउंडेशन. और मेरा बिलीफ ये है कि मेरी लर्निंग है ये इस कौम की इस मुल्क की अमानत. आई कैन नॉट टेक दिस लेगेसी टू माई ग्रेव. आई हैव टू शेयर दिस एनीबडी हु इज सिंसियर एंड हु वांट्स टू डू गुड इन दिस कंट्री. आई एम अवेलेबल एंड आई सिंसियरली से दिस ऑन योर पॉडकास्ट कि मैं किसी को रोकता नहीं हूँ. छोटे से छोटी चैरिटी होती है वो मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे समझना चाहते हैं, मेरे टाइम अवेलेबल है. और मैंने कई एक चैरिटीज़ को हेल्प किया, कोच किया. एक ज़माना था जब लोग समझते थे हम क्यों अपने इंफॉर्मेशन शेयर करें, हम क्यों अपने डोनर्स के बारे में बातें शेयर करें, ये तो हमारा कॉम्पिटिटर बन जाए. यार देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन दिस. यू आर डूइंग अ गुड वर्क, आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू. व्हाट इज़ देयर, सोसाइटी इज़ बेनिफिटिंग, सोसाइटी इज़ बेनिफिटिंग. तो मेरा मंशा ये है कि मेंटरशिप is now an all-important task and all-important feat for social work anywhere but in Pakistan mainly. मैं आता हूँ TCF की तरफ. You have over 1500 schools now. ये जो आपने एक idea seed plant हुआ था let's say late 80s early 90s में has grown to over 1500 schools at this point. And I think you've touched over 20,000 students in the last, let's say, 20, 30 years, right? Let me correct that. Yes. As we sit here, 1,921 schooling units in 750 slums and villages of Pakistan, okay? And at the moment, 300,000 kids are studying in those schools. Uske alawa, एक्टिवली स्टडी ठीक है ना. ऑलमोस्ट 300, 289 वैसा कुछ है. लेकिन और उसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएट करके निकल चुके हैं इन एक्सेस ऑफ 70,000 ठीक है ना. 70,000 हैव ग्रेजुएटेड हाँ हाई स्कूल या मैट्रिक करके. और वो 70,000 बच्चे आइदर जूनियर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या गेनफुली एम्प्लॉयड. हमने उनको ट्रैकिंग करना शुरू किया है. तो स्टोरी ये है कि 5 स्कूल से 1995 में काम शुरू हुआ था. जब हमने काम शुरू किया तो हमने कहा कराची के 5 स्लम्स या 5 कच्ची आबादियों में हम स्कूल बनाएंगे. और 800 बच्चों से हमने काम शुरू किया था. वो 5 स्कूल से आज 1921 स्कूल और 800 बच्चों से 3 लाख बच्चे आज पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में। वेरी गुड। एंड यू डिड दिस ब्रिक एंड मोटर, बिल्कुल फिजिकल स्ट्रक्चर खड़े करके हर जगह। किस तरह से आपने लोकेशंस कैसे ढूंढ ली? फैजान देखे स्लम्स में तो दैट्स अ बिग चैलेंज। तो बुनियादी बात ये थी कि हमने ये पहले दिन से सोचा था कि अगर हुकूमत की स्टैंडर्ड्स पे बच्चे ये पढ़ेंगे तो दे विल नेवर हैव ए चांस इन हेल। कभी भी ये अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी कॉलेजेस में जाने का इनके लिए, लेकिन ना मेरी उम्र के जो लोग हैं ना 60s या 50s में, वो गवर्नमेंट स्कूल में जब जाते थे तो फिर भी स्टैंडर्ड ठीक ठाक था। और आज के मेन स्ट्रीम बिजनेस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स या प्रोफेशनल लॉयर्स भी बन गए, डॉक्टर्स भी बन गए। लेकिन वो मैंने बताया ना, वो जो एक नेशनलाइजेशन का दौर आया जहाँ सब हर चीज़, और सबसे बुनियादी क्या है कि क्वालिटी डिस्पैंड हो गई। टीचर्स के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ट्रेनिंग पे कोई तवज्जो नहीं, कोई टीचर पढ़ाने जाए या ना जाए उसको तनख्वाह मिले। और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियाँ, हम स्टोरीज़ रोज़ सुनते हैं कि ऐसे टीचर्स होंगे जो खुद अपना नाम नहीं लिख सकते, गो स्कूल्स भरे हुए हैं स्कूल। सो अब इसको तो एक पॉइंट ये है कि हम ये क्रिटिसाइज करते रहें हुकूमतों को, हम कहते रहें कि ये बुरा है ये अच्छा है, या कुछ करके दिखाएं, ठीक है ना, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि ब्रिक एंड मोटर के आपने हम बड़ा हमको क्रिटिसाइज़ किया, ये इनके दिमाग ख़राब है, ये वो गरीब का बच्चा है, ड्राइवर का बच्चा है या फैक्ट्री के मज़दूर का बच्चा है, अब इसको क्या ज़रूरत है अच्छे कमरे में बिठा के पढ़ाने। हमने कहा हम उस बच्चे को वो तालीम देंगे जो हमारे बच्चों को तालीम मिलती है। और वी आर ऑन रिकॉर्ड, ग्रामर स्कूल से हमने जब स्कूल की विज़िट्स कराई तो वो बच्चे जब जाके उन्होंने देखा तो वो उनका कोट अनकोट कि ये हमारे स्कूल से बेहतर क्लासरूम्स। तो हमारा काम है कि वो बच्चा तालीम, एक तो इन्वायरमेंट, एक माहौल ऐसा मिले, और क्वालिटी कि वो पैसे वालों के बच्चों से या अच्छे स्कूलों के बच्चों से कम्पीट कर सके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रूफ कर दिया है TCF ने कि वो जो 70,000 बच्चे निकले हैं वो बेटर ग्रेड्स लेके मेरिट पे 29 टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में दाखिले मिले। आप नाम लें, मैं आपको IBA, हबीब, लम्स, फास्ट, CBM, नैनी डी डाव, ये तो सब छोड़ दें, उधर नस्ट, उधर GIK एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे बच्चों के लिए जगह है। और ये बच्चे पाकिस्तान हैं और ये बच्चे पाकिस्तानी और पाकिस्तान को चेंज करेंगे ये बच्चे, क्योंकि देखो सच्ची बात है, तुम तो वापस आ गए। 90% जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे, वो बाहर जाते हैं, वापस नहीं आते। वो देखे ना उनको, आई डोंट ब्लेम देम, वहाँ इतनी अट्रैक्शन है, इतना वो उनके लिए होल्ड बैक है कि वो लाइफ इज़ डिफरेंट। पाकिस्तान किस लिए आए? तो इसमें ये जो बच्चे हैं, इसका मैं यही सवाल करना चाह रहा था। अब आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ा दिया, देव एक्सेस द बेस्ट एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपका ये फियर नहीं है कि इन सबको पढ़ा के ये भी बाहर चले जाएंगे एट सम पॉइंट? बिकॉज टू योर पॉइंट, यहाँ क्या रखा है, राइट? तो हमने यहाँ एक पाइपलाइन, यू बिल्ट अ पाइपलाइन, 30-year-old पाइपलाइन दैट हैज़ क्रिएटेड यू नो सो मैनी स्टूडेंट्स। Isn't it a fear that if they all leave, all of these efforts have been wasted? Because they won't. They won't. Why would they leave? I'll tell you why. देखिए मैं बात बताऊं। पहली बात ये, उनके पास वसाइल नहीं। हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं ना, वो the poorest of the poor, जिसको कहते हैं ना, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं, उनके बेफॉर्म तो बात की बात। हमारे लिए कभी कभार बच्चों को बाहर भेजना होता है फॉर अ एक्सचेंज प्रोग्राम, फॉर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम। पासपोर्ट नहीं, ID कार्ड नहीं, बेफॉर्म नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट। मुझे बताओ आप कैसा बाहर जाएगा? एक बात। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इनको इतना, देखो मेरा बच्चा जो है ना वो तो बाहर चला जाएगा इसलिए कि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ और मैं उसको इनकरेज भी करता हूँ, ठीक है। ये बच्चे जो हैं, ये हमने ट्रैकिंग की है ना इनसे। ये बच्चे देखें, अपनी फैमिली, इनका फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इनका कम्युनिटी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस कच्ची आबादी में ये रहते हैं, ये वीकेंड्स में नौकरियां करते हैं कराची में, लाहौर में, जहाँ भी। ये वापस आके अपने गरीब पड़ोसी फैमिलीज़ की हेल्प करते हैं। ये जाके उनकी कोचिंग करते हैं, यहाँ वो एडमिशन किस तरह से लेना यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, उनकी हेल्प करते हैं। मैं आपको बता रहा, तो ये कभी भी इनके जहनों पे ये नहीं है। उनके लिए देखिए, मैं बताऊँ, एक फैमिली है इब्राहिम गोट, एक कच्ची आबादी है नॉर्थ कराची में। इब्राहिम गोट में जब हमारा पहला स्कूल खुला तो एक फैमिली है जिसका वालिद एक फैक्ट्री में काम करता है, वो पता नहीं कॉपर वायर ड्राइंग होती है उसमें क्या होता है। 30,000 रुपये अभी मिल रहे हैं उसको, अभी 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 काम छोड़ा है 2 साल पहले, वरना आखिरी उसकी सैलरी 30,000 थी। उसके बीवी और 6-7 बच्चे थे, उसमें 5 बच्चे जो हैं वो TCF के स्कूल से पढ़े। अब 5 बच्चों में एक 17 ग्रेड की गवर्नमेंट की ऑफिसर बन गई, एक बच्ची डॉक्टर है जो न्यूरोलॉजी में रेसिडेंसी कर रही है बाहर, और वो तैयार बैठी है जैसी रेजिडेंसी और फेलोशिप ख़त्म हो मैं वापस आके मुल्क की खिदमत करूँगी। एक बेटा जो है IBA से मास्टर्स करके और अभी PhD कर रहा है बॉस्टन में, जनाब अली। उसके बाद एक बच्चा जो है वो मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, और एक बेटी जो है LUMS से अंडरग्रेड करके आई। लेकिन सारे लोग पाकिस्तान में, और उनकी फैमिली इनकम 5 फोल्ड इंक्रीज़ हो गई है, इवन मोर, आई एम जस्ट 5 टाइम्स, तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन 2-3 लाख रुपए फैमिली इनकम हो गई है। जो 30,000 पे भी, जो 30,000 बाप कमाता था, अब 5-4 लाख रुपए उनके घर में आ रहे हैं इनकम। और ये जो सारी हायर एजुकेशन भी थी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुई होगी। स्कॉलरशिप बाय TCF, स्कॉलरशिप्स बाय TCF अरेंज स्कॉलरशिप फॉर ऑल लेवल्स ऑफ होल्डिंग है, एक हेल्पिंग हैंड देती। हमारी कोशिश यही होती कि सब देखिए, ये बच्चे बहुत होनहार, बहुत डेडिकेटेड। मैं आपको बताऊं कि इनको इतना वो है, क्या कहते हैं, खुददारी है इनको इतनी है कि ये कोई गलत ना तो काम करने के लिए तैयार है, ना कोई अनड्यू एडवांटेज लेने को तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप बता रहा हूँ, ये कहीं नहीं जाते, ये इस मुल्क का सरमाया बनेंगे, और ये इस मुल्क का सही जो है ना, दे विल बी द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, दे विल चेंज पाकिस्तान, बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट, हमारे जैसे लोगों के बच्चे नहीं करेंगे चेंज, बिकॉज दे आर नॉट हियर टू चेंज इट, दे आर नॉट डेडिकेटेड एनफ, दे आर नॉट मूव्ड। तुम देखो कितने लोग तुम्हारे जैसे हैं जो छोड़ के इधर आके काम, मैं अकेला और वहाँ से बैठ के मजाक उड़ा रहे थे। आपके ग्रुप के कितने लोग हैं, बोले भाई तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए, उधर जा रहे। मेरा बेटा आया 5 साल के, नुकसान करके चला गया, लेकिन ठीक है, आई ब्लेम हिम, आई डोंट ब्लेम हिम, कि ठीक है मेरा बिजनेस इधर ही वुड हैव लुक्ड आफ्टर दैट एंड ऑल दैट, और बच्चों की तालीम को ज़्यादा तरजीह मिल रही है उधर, जो भी है छोड़ो उसको। तो कमिंग बैक टू दिस, नहीं बट इसमें एक मुझे चीज़ बताएं ना कि इसमें अब, so I want to understand this because my assumption coming into this was कि ये बच्चे तालीम हासिल करके एक अपनी बेहतर बुनियाद ज़िंदगी की रख के देखना चाहेंगे कि यार मैं स्लम से निकल के आया हूँ, मैं अब LUMS से पढ़ के, मेरे पास द वर्ल्ड इज़ माई ऑयस्टर, आई एम एट पार विथ लेट्स से द मोर एफ्लुएंट मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी, मुझे भी अब चांस अगर मिलेगा बाहर जाने का मैं चले जाऊँ, क्योंकि मैं बाहर से पैसे भेजूँगा, मेरी इस्लाम की अपलिफ्ट होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो चीज़ सोचेगा भी नहीं, मतलब कुछ बच्चे ऑब्वियसली 5-10% तो होते हैं, 5-10 भी नहीं होंगे। अब मैंने 70,000 का आपको फिगर दिया, ठीक है, 70,000 कि हमने ट्रैकिंग पूरे बच्चों की कर दी, ठीक है, कि कौन किधर क्या कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इससे दावे से कह रहा हूँ आपको, उन बच्चों का हमारे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो किस इदारे में पढ़ रहे हैं, अगर कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहाँ है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई कराची बेस्ड तो नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑल ओवर द प्लेस, सो वो लाहौर में भी जा रहे हैं, कॉलेजेस में, शाब में भी जा रहे हैं, मुल्तान के करीब भी जा रहे हैं, मतलब बेरेवर, बलोचिस्तान, ग्वादर में जा रहे हैं, ग्वादर में मैट्रिक पास करके बैठे। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी करें ना आप, 25 बच्चों से ज़्यादा आई कैन नॉट इवन टेल यू हु हैव गॉन ओवरसीज फ्रॉम 70,000 रियली। नहीं देखो, ये देखो, एक बात मैं बता दूँ, यू हैव स्टडीड ओवरसीज, हाँ किसी को बड़ी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप मिल जाए 100%, वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी आज के दौर में इट्स इम्पॉसिबल इवन फॉर एफ्लुएंट एंड वेल टू डू फैमिलीज, ठीक है ना। आप देखें कि गिरी से गिरी साली $50,000 तो आराम से मैं तो अब कम से कम बता, मैं तो ग्रेजुएट स्कूल में आई गॉट लकी, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, अदरवाइज ग्रेजुएट स्कूल तो $1.5 लाख मास्टर्स की डिग्री, आप बताओ। तो मुझे पता है ना, तो कहने का मेरा मकसद ये कि ये दिस इज़ नॉट देयर गोल। इनका गोल ये है कि जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे विद इन द कंट्री। अब माशाल्लाह, आई विल गिव यू, यू कैन इवन विजिट आवर वेबसाइट एंड सी द सक्सेस स्टोरीज TCF की। फैशन डिज़ाइनर एक बच्ची है, पुलिस में एक लड़की है, आर्मी में लड़की है, TV अनाउंसर है, और मतलब दिस इज़ द ब्यूटी यार। जो बच्ची 13 साल की उम्र में जिसकी शादी हो रही थी, अब 22-23 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट है, और वो अपनी अपनी तनख्वाह लेती है, अपनी माँ को अपने वालिद को उठा रही है, और माँ बाप माएँ सपोर्ट करती है, बाप नहीं माँ सपोर्ट करती है कि बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, अब तुम इंटर कर लिए, अब जाके ग्रेजुएशन करो, अब जाके मास्टर्स करो। तो ये खूबी है। अगर ये माइंडसेट कच्ची आबादी और विलेजेस में चेंज हो रहा है तो ये बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन अब सारे पाकिस्तान का माइंडसेट तो नहीं चेंज कर सकते ना हम। व्हाई नॉट टेक ओवर ऑल ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान? आई एम श्योर दैट थॉट क्रॉस्ड योर माइंड। बहुत दफ़ा हमने बात की, ये इसका आंसर कुछ दूसरी तरफ है। वो ये है, देखें हम सारी दुनिया में आप देखेंगे ना, तो एजुकेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन। स्टेट केपेबल होगा तो 1.5 लाख स्कूल हैं स्टेट की, पैसा स्टेट का जा रहा है वेस्ट, तो वेस्ट पब्लिक पार्टनरशिप कर लें। मैं ये देखा हमने किए ना, हमने देखे पंजाब में हमने 257 स्कूल्स टेक ओवर किए, सिंध में कोई 90 स्कूल किए। इस वक्त पे हमने 500 स्कूल नए बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सिंध गवर्नमेंट के साथ, कि 6 सिंध के सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ना एजुकेशन है, ना स्कूल्स हैं, ना बच्चों के लिए, तो उनके लिए हम स्कूल्स बनाएंगे अपने पैसे से, अपने डोनर के पैसे से, और सिंध गवर्नमेंट उसके रनिंग के एक्सपेंसेस देंगी। उसमें से कोई 150 स्कूल बन चुके हैं 500 में से, हर साल उसमें 40-50 बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के स्कूल लेना आसान नहीं है। देखिए ना, 10 लाख या 8 लाख लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, हम आज 10 लाख लोग काम करें। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में दैट्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ सिंध गवर्नमेंट, 1 मिलियन पीपल। हाँ 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 भैया, मैं वेयर आर दे, ये तो सवाल ही नहीं। देखिए इसका सिर्फ आंसर ये है। आपके पास कितने काम कर रहे हैं TCF? 20,000 लोग काम कर रहे हैं जी, टीचर्स जी नहीं, 20,000 टोटल स्टाफ, 16,000 टीचर्स। और ये भी खूबी की बात है कि हम सिर्फ ख़वातीन टीचर्स रखते हैं, देयर आर नो मेन वर्किंग एज टीचर्स और प्रिंसिपल्स। और इसकी बुनियाद ये है कि जेंडर बैलेंस चाहिए। हमने कहा को एजुकेशन सिस्टम है, पेरेंट्स को सिक्योरिटी और सेफ्टी इसमें आती है कि अगर खातून पढ़ाएगी, चलो मर्द को हटाओ, सिर्फ लड़कियां पढ़ाएंगी, सिर्फ अच्छी तो दोहरा काम हो गया है। बच्चियों को एक रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मदर्स को, और यहाँ जेंडर बैलेंस 50-50 आ गया। तो एक तो जेंडर इक्वालिटी भी आ गई, किड्स की सिक्योरिटी भी आ गई, और जो मदर्स हैं, औरतें हैं उस इलाके की, देखें पढ़ी लिखी औरतें आके पढ़ाएं उधर, हम तो इनकरेज करते हैं, ठीक है। और एम्पावरमेंट, फिर हमने यहाँ रुके नहीं, हमने कहा ये तो हो गया, वी आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ वेमेन इन द प्राइवेट सेक्टर, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट तो खैर गवर्नमेंट है, लेकिन हम कोई अदर पैरेलल नहीं है पाकिस्तान, 16,000 वेमेन, कोई अदर पैरेलल मल्टीनेशनल कोई नहीं है जिसके पास 16,000 ख़वातीन काम करती है TCF। और जब ये मैं खड़े रह के UK में या USA में बात करता हूँ तो लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, उनके समझ नहीं आती है कैसा करते हैं। हमने ये करते हैं हम, क्योंकि और ख़वातीन के साथ काम करने में बहुत से चैलेंजेस है भाई, शादियाँ भी होती हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, वो कभी बच्चे हो रहे हैं तो मैटरनिटी लीव पे है, तो हमारे लिए एक हाउ डू यू डील विद दोस? अल्लाह का बहुत एहसान है। अब ओवर 30 years, 29 years, वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज़ अ पूल ऑफ टीचर्स ऑल्सो, वी हैव गॉट, बट 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, 25% एट्रिशन है, 25% टीचर्स जो हैं ट्रेन टीचर चले जाती हैं एवरी ईयर। हाँ, और हम ये सोचते थे पहले कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया, हाँ ये टीचर्स जो हैं इनको ट्रेन किया, इन पे इतना सरमाया खर्चा। फिर हमारे एक साथी ने बोले यार क्यों ऐसी बात करते, गई किधर, कोई अमेरिका गई या अफ्रीका गई, किधर गई, पाकिस्तान में ही है ना, किसी का तो भला कर रही है वो जाके। ठीक है, फिर ये दिल को तसल्ली होती है कि वो जहाँ जाएगी एक अच्छी टीचर, एक अच्छी गाइड, एक अच्छी काउंसलर बन के जाएगी। हमने कहा ठीक है, तो है ग्रैपल करते हैं, चैलेंजेस है, लेकिन लेकिन जो टीचर आप कभी मौका में मिलेगा तो आपको स्कूल ले जाऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। जो पैशन और जो कमिटमेंट इन लड़कियों में है, प्रिंसिपल्स में 13-13, 15-15, 16-16 साल से काम करी, बोले हमको तनख्वाह की परवाह नहीं, हम अपना पेट काटेंगे, लेकिन ये जो काम है ना, ये काम कौम को बदलने वाला काम। तो मतलब ये है कि सिटीज़न फाउंडेशन का आपको मैं सवाल वो ख़त्म कर लूँ कि एक ही इसका आंसर है, हुकूमत अगर इनके दिल में चेंज करने का पॉलिटिकल विल है तो ये देखें सक्सेसफुल मॉडल है ना, 2000 स्कूल आपके सामने हैं, बस आपने ये सॉफ्टवेयर इसका हम शेयर करने को तैयार। इमरान खान की हुकूमत थी तो हमने बिल्कुल ओपनली टेबल पे बैठ के ये मैंने ऑफ़र की, ये करिकुलम आपका है, ये इम्प्रोवाइज़ हो गया, अच्छा हो गया, इसमें सारी ऐसी बुनियादी हेट्रेड और सब ख़त्म कर दी। करिकुलम भी आपने खुद डिज़ाइन किया? डिज़ाइन उनका करिकुलम उठा के उसको बिल्कुल इम्प्रोवाइज़ कर दिया, उसके अंदर उसमें करेक्टिव मेजर्स आ गए, उसमें इस कदर इम्प्रूवमेंट है कि इट्स गॉट अ न्यू फ्लेवर। नाउ द गवर्नमेंट अप्रिशिएट दैट। किताबें, सारी किताबें, हम नाउ वी आर पब्लिशिंग हाउस, वी हैव प्रिंटेड 90% ऑफ आवर बुक्स आर मेड इन आवर इन हाउस। वाओ, एंड वी शेयर दैट विद द गवर्नमेंट, एंड दीज आर बुक्स क्रिएटेड बाय योर बाय आवर ऑथर्स, by our team. So you guys write your own books, publish your own books, train your own teachers, largest employer of women, and 70,000 training training center. We are training not only our own teachers, we've got an online training program for the low cost private schools and government teachers if they want to come and get trained. So you were able to achieve all of this by starting your day with golf 6 days a week. No, not me. No, well, of course, you and the rest of the team. Six friends are the visionaries. Yes. And the people who are working for TCF and the head office, yes, are remarkable people. Right. Starting from the chief executive to the vice presidents to the head of the departments to the managers, general manager. But I just said this कि अगर गवर्नमेंट की सीरियसनेस है तो इट्स वेरी सिंपल। गवर्नमेंट के स्कूलों में ये सिस्टम, तो पॉलिटिकल विल इज मिसिंग, स्ट्रेट अप सिंपल। अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सीन को ठीक करना है तो ये देख लें आके, खुद आप देखें सारी दुनिया में इकोनॉमिस्ट। चलें, अगर मैं ये कहता हूँ अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाता है, describe Pakistan in 30 years if today we fixed it. If let's say today we took your model and rolled it out in every school in Pakistan, what does Pakistan look like in 30 years? Korea. Pakistan can be a... Abhi main Thailand se aaya, yaar, main Thailand was the dirtiest place ever in 30-40 years ago. Today Thailand is they have a problem. They have got army, they have got interference. बट धंधा पानी कोई नहीं रुकता है, एजुकेशन नहीं रुकता, लिटरेसी रेट नहीं रुकती। आप इस मुल्क की काया पलट देंगे यार। आप, मैं बता रहा हूँ ना कि कोई मसला नहीं है, आपके TCF के बच्चा एक कल प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पॉलिटिशियन बन जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन ऑनेस्टी चाहिए, उसके अप्रोच में ऑनेस्टी चाहिए। अगर ये सिंसियरली एजुकेट कर दे, आपका एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो जाएगा, आपका इंडस्ट्रियल product, you know, people are gone into industry reading drawings, you know, civil engineer, yani there's no end to it, there's no end to it. Isme I'll add another thing, you've been doing this at physical locations, ab digital ki duniya aa gayi hai, LMS, learning management systems aa gaye hain. Do you see a future for TCF that is a digital virtual education system jahan pe आपको फिज़िकल स्लम में आपको एक फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, वर्चुअल टीचिंग के थ्रू? और क्या अगर वो आप करते हैं उसका इम्पैक्ट, विल इट बी द सेम एज हैविंग किड्स इन अ क्लासरूम विद अ टीचर फिज़िकली प्रेजेंट? मैं इसको सवाल को मैं आपको दो लॉट हैज़ बीन स्पोकन अबाउट डिजिटल लर्निंग एंड LMS and all this. We have been, we have been studying this. We have been involved with दुनिया के खान एकेडमी के साथ हमारे काफ़ी इंटरेक्शंस हुए हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि 100% हमारा बिलीफ है कि क्लासरूम एक्टिविटी 100% इस मुल्क के बच्चों के लिए इज़ नॉट प्रैक्टिकल। व्हाई? आई विल टेल यू। आप अगर किसी जगह चले जाएं, आप कोई स्लम में चले जाएं, अर्बन स्लम में चले जाएं, या आप चले जाएं विलेजेस में, हमारा माहौल जो है ना वो इस तरह से है कि माँ और बाप कुछ ना कुछ या तो फार्म्स पे काम करते हैं। बच्चों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग कहीं नहीं। आप ये याद रख लें कि कंप्यूटर, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स तो सिखा देगा, लेकिन कंप्यूटर्स आपको आपकी अच्छाइयाँ, आपके रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, आपके अखलाकियात पे क्या अच्छा है। देखो, हमारे माशरे का, हमारे रिलीजन का ही बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना, कि हमको एक हमारा फैमिली स्ट्रक्चर एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट। आज TCF क्यों कामयाब हुआ है? उसके माँ बाप जो हैं वो सुबह 5 बजे निकल जाते थे और बच्चा बच्ची गली में ऐसी एमलेसली वो आपने देखा है ना, व्हील डंडे के घुमाते घुमाते डंडे से इधर से उधर, उधर से, और फिर वो गलत चक्रों में लग गया, कोई मंशियात के साथ। प्रिंसिपल और टीचर्स का पहला काम ये है कि हमने 2 मेड्स रखी हुई हैं कि बच्चे आते हैं, इनके घर में पानी नहीं, इनके घर में बिजली नहीं, इनके घर में सैनिटेशन नहीं। बच्चे पहले आएंगे, हमारे टॉयलेट्स में उनका मुंह धुलाया जाता है, कुछ हद तक उनके कहीं टीथ ब्रश भी कराए जाते हैं, उनके टीथ ब्रश डेडिकेटेड हैं। फिर बच्चियों की चुटियाँ बनाई जाती, बाल बनाए जाते, फिर असेंबली में उसको खड़ा करते हैं और फिर क्लास में जाते। अखलाकियात जो हैं, सिविक्स हैं, ये वर्चुअली नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताऊँ, वर्चुअली ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो हम यही लड़ते हैं कि बिल्कुल करेंगे, और कर रहे हैं हम। We have already started a digital learning program. We got a grant from UK, and उसमें ये हुआ कि हमने 10,000 टैबलेट्स ख़रीदे, ठीक है ना, और 10,000 टैबलेट्स हमने क्या किए कि हमको पता है कि हम ये एक टैबलेट्स हर बच्चे को दे नहीं सकते, ना हमारे पास वसाइल है और ना वो बच्चे उसकी केयर कर सकते हैं, ना उनके घर में बिजली है कि वो चार्ज कर सकते हैं, समझे? तो और फिर वो मिसयूज़ भी हो सकता है, बिक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, बाप लूट ले, यू नो, देयर आर होल लॉट ऑफ स्टोरीज एवरीवेयर। तो हमने 50-50 टैबलेट्स या आईपैड्स जो हैं हर स्कूल में, हर सेकेंडरी स्कूल में लगा के, और डिजिटल है, और सारा करिकुलम हमने उसमें डाल दिया। सही। अब हर रोज़ 1 घंटे की क्लास डिजिटल लर्निंग की उस पर होती है। अब हम पायलट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक हाई क्लास टीचर बैठी है और वो थर के 22 स्कूलों में, जो तुम बात कर रहे हो, थर के 22 स्कूलों में वो लेक्चर दे रही है, ठीक है, एक ही टीचर 22 स्कूलों को पढ़ा रही है एक सब्जेक्ट, ठीक है, एंड इफेक्टिवली पढ़ा रही है। बट अब हमने टोटली इसको आइसोलेट नहीं किया कि स्कूल बंद और ये डिजिटल लर्निंग, एंड इट डजंट मेक सेंस। देखो, जो आप बात कर रहे हैं, आई थिंक जो डिजिटल लर्निंग जो आप एग्जैक्टली कह रहे हैं, इट्स अबाउट स्केलिंग गुड क्वालिटी नॉलेज, लेकिन उस बच्चे को फिर भी एक फिजिकल लोकेशन में आना पड़ेगा टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, जो आपने बात की कि यू नो दांत ब्रश हो रहे हैं, लिटरेसी एंड लाइफ स्किल, लिटरेसी एंड लाइफ स्किल, LLS जो है ना जी, लिटरेसी एंड लाइफ स्किल्स के लिए उसको आना पड़ेगा, कहीं भी आए अपने, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बिल्कुल हमारे प्लान में है कि वी विल बी in the near future we will be going into a major digital transformation, but we do not agree कि आप कहें कि साहब क्लासरूम बंद और लिटरेसी पे सब काम हो जाएगा। ये इस मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पे जो बच्चे जिनको हम यू कैन से कि ठीक है, अगर बीकन हाउस या सिटी स्कूल या ग्रामर स्कूल ये कर दें तो हो सकता है कि भाई उनके घरों में ये वसाइल हैं, माँ बाप हैं, लेकिन हालांकि तुम तो जानते हो ना, वो सबसे बिगड़े हुए बच्चे ग्रामर स्कूल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी आपके पास भेजना चाहिए। छोड़ दो। अच्छा, अब एक और मज़े की बात मैं बताऊं, हमने और एक प्रोग्राम शुरू किया। आप कहते हैं हम बड़े बोलते हैं, एरोगेंट बोलते हैं हमको, अड़ियल बोलते किसी की सुनते नहीं, हम नहीं सुनते। क्योंकि हमको रोज़ एक कोई नया सजेशन हर हफ्ते आ जाता है कि साहब इधर ये खोल लो, इधर फला खोल लो, इधर क्लिनिक खोल लो, इधर पोलियो के वैक्सीन के ये कर लो, इधर ट्रेनिंग वोकेशन ट्रेनिंग खोल लो। हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हम फोकस अपना नहीं, हम अपनी राह पे चलते रहेंगे, जितने बच्चे हम पढ़ा सकते हैं हम पढ़ाएंगे। तो ये जो आपने बात की है, आपका कोर कॉम्पिटेंसी एजुकेशन रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और आपने अपने कोर पे फोकस किया है राइट थ्रू आउट। लेकिन इस फोकस में व्हाट यू हैव बिल्ट, और अभी हमारी बात हो रही थी, यू बिल्ट अ फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि हर स्कूल में एक वैन है जिस तरह आपने कहा जी। यू बिल्ट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जी। You've built a publishing house, yeah. You and your team, obviously. And you have also built a garment manufacturing sourcing business. Is that right? जो ये जी बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चे को खाकी यूनिफॉर्म पहनाना है, बच्चियों को भी, बच्चों को भी, लड़कों को भी, और वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि रंग बरंग यूनिफॉर्म बच्चों के हों, और ये हम नहीं चाहते कि किसी, क्योंकि ये बच्चे वो दुकानों पे नहीं जा सकते, दे कांट अफोर्ड टू बाई यूनिफॉर्म्स, तो आपको प्रोवाइड, वी हैव टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म्स, वी हैव टू, सो इन प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म वी हैव गॉट दैट आई फॉर डिटेल, जिसमें कि उसका रंग बिल्कुल यकसा हो, उसकी सिलाई में कोई कमी ना हो, साइजेस कोई ऐसे ना हो। तो हमने कपड़ा ख़रीद के एक ख़ास जगह से रंगवाते हैं, और फिर वो कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है 5 डिफरेंट गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, उनसे सिलवा के, और फिर डिलीवरी होती है हर स्कूल में, ताकि बच्चों को स्कूल के शुरू होने से पहले वो यूनिफॉर्म पहुंच जाए। वाह, और इसमें आपने एक और चीज़ भी जिक्र की थी, ये मुझे भी नहीं पता था, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी आप चलाते हैं ख़वातीन के लिए। जी, ये बहुत साल पहले, कोई 15-16 साल पहले हमको महसूस हुआ कि बच्चों की जो तालीम हो रही है, तो तालीम तो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनी बड़ों से कुछ हद तक मतलब आई वुड से रूड या बदतमीज़ी करते, लेकिन कुछ ऐसा डिसकनेक्ट, आई वुड से डिसकनेक्ट हो रहा, क्योंकि एक जनरेशन बिल्कुल तालीम हासिल करी और एक बिल्कुल ही उनकी अनपढ़। देखा ना, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी लड़कियों का तो सिरे से कभी ज़िंदगी में कोई स्कूल नहीं गया। तो हमने फिर सोचा कि यार इसको ब्रिज किसी तरह से करना चाहिए। तो हमारी टीम जो है बड़ी माशाल्लाह होनहार है, उन्होंने एक्सेलरेटेड एक लर्निंग प्रोग्राम तैयार करवाया फॉर द मदर्स एंड एल्डर सिस्टर्स। और वो ऐसा सिंपल प्रोग्राम था कि वो किसी के घर के आंगन में या किसी कम्युनिटी सेंटर में या TCF के स्कूल में शाम में अगर कोई जगह है तो वहाँ बैठ के, वो प्रोग्राम सिर्फ 90 दिन के लिए रायज है। और मैं आपको बताऊं कि वो इतना सिंपल और सिंप्लिसिटी उस प्रोग्राम में है कि वो खातून अपने काम से जब वापस आती है शाम को, तो शाम को घंटा 1.5 घंटा बैठ के उसको अटेंड करना है क्लास। तो 90 डेज के लिए सिर्फ 1.5 घंटा। एंड व्हाट, अच्छा, तो इस 90 डेज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इस 90 डेज के बाद एक जिसको कहते हैं ना, एक किस्म से एक जादू या मैजिक उस औरत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एक लेवल आ जाती है। मिसाल के तौर पे वो अखबार के हेडलाइंस पढ़ सकती, वो एक छोटा सा रुक्का, एक एप्लीकेशन किसी को करनी है वो कर सकती है। उसके बाद वो बस का नंबर उसको फिर बखूबी आता है, जिस जगह वो काम पे जा रही है कौन सी बस है। पहले तो पूछ के काम होता था, अस्पताल में किसी वक्त जाना पड़ गया तो बच्चा वार्ड किधर है, गायनी वार्ड किधर है, इमरजेंसी किधर है, वो साइंस पढ़ सकती। तो एक तरह से 90 डेज में आपने इंडिपेंडेंस दी है उसको, मेंटल इंडिपेंडेंस दी है उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट दी है, घर में उसकी इज्जत बढ़ गई। वो शाम को बच्चों के साथ बैठ के उनको कहती किताब खोलो मेरे सामने पढ़ो। हालांकि वो इतना शऊर नहीं है कि वो सारे बच्चों की समझ सके, लेकिन एक किस्म से उसको कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि उसका। और ये मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 20,000 से 25,000 ख़वातीन को ये प्रोग्राम, कोई हमारे 700 सेंटर्स हैं इस मुल्क के अंदर, जितने स्कूल्स हैं उतने ही ये एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स हैं, और वहाँ इनको तालीम दी जा रही है। और हम समझते हैं कि ये एक बुनियादी बेसिक है लिटरेसी, लेकिन इट इज़ अ वेरी फोर्सफुल मेथड ऑफ गिविंग द विमेन, there's an empowerment in a sort. Unbelievable. That's amazing. इसमें मुझे एक बात बताएं, आपने इतना कुछ achieve किया and we haven't even touched on the Patient Aid Foundation right now. What drives you? The love of this country. Honestly, के I've been told many times के आपके पास वसाइल हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं भी जा, दुबई, बहुत से लोग दुबई सेटल हो गए, आपको दिल नहीं होता दुबई सेटल, आपका दिल नहीं, मेरे भी बच्चे अमेरिका में हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं अब भी समझता हूँ कि उनका दिल पाकिस्तान में है। और मेरी बेटी डॉक्टर है, वो रेजिडेंसी कर रही है, आज भी मुझे कहती है मैं आई वॉन्ट टू फॉलो योर फुट स्टेप्स। तो आई डोंट थिंक के मैं तो मिसफिट हो जाऊं अगर मैं इस मुल्क को छोड़ूं। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा वजूद यहाँ से वाबस्ता और लिंक्ड है। इस उम्र में आके मुझे कोई पैसों की कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कोई कारोबार की कोई ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें मेरे लिए मुहैया हो चुकी हैं। मैं 365 दिन में शायद 1 या 2 दिन अपने कारोबार के ठिये पे जाता हूँ। मुझे ना कोई पूछता है कि क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं किसी से तनख्वाह नहीं लेता हूँ। और मैं दिन रात अपना ये काम जो है, जिससे मुझे तस्कीन मिलती है, मुझे शौक़ भी है, मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं समझता हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग वर्थवाइल, कि लोगों का अगर भला होता है मेरे होने से, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव है। और ये जो एक आपका जो पैशन है, जज्बा इस मुल्क की तरफ और कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ, TCF का तो ऑब्वियसली इतना बड़ा एक वो नाम भी हो गया है, कंट्रीब्यूशन भी हो गया है सोसाइटी में। अब आपने एक नया चैलेंज लिया है पेशेंट एड फाउंडेशन के तौर पे। साइबर नाइफ जिन्ना अस्पताल में लगी थी आई थिंक इन 2012 जी, एंड जो ट्रीटमेंट बाहर बिटवीन $50,000 and $100,000 की होती है, यू आर प्रोवाइडिंग दैट ट्रीटमेंट हियर फॉर लेस देन $1,000 और द इक्विवेलेंट ऑफ, वेल, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। That $1,000 is a notional figure, right? Which is for the donors, right? But the people जिनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनसे कोई पैसा, ना कैश काउंटर है हमारे पास और ना हम पैसे मांगते। So now education को कवर कर लिया। एजुकेशन, अब आप जा रहे हैं हेल्थ केयर की तरफ, मैंने चले गए, मतलब you've done 10-15 years worth of work in this. What is the difference in the vision for the Patient Aid Foundation? अच्छा, हमने ये डिस्कस किया है ऑल थ्रू आउट के वी वांटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द लेस प्रिविलेज और द अंडर प्रिविलेज ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट्स थ्रू TCF। दैट्स थ्रू TCF, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये सोचा कि इस मुल्क के 2 बुनियादी मसाइल जो है ना, वो हेल्थ और एजुकेशन। आप देख लें कि अगर गरीब आदमी के ज़िंदगियाँ बदलनी हैं तो उनके घर में तालीम, लिटरेसी, एजुकेशन अगर आ जाएगी, और देर आर इन्यूमरेबल केस हमने देखा है ना कि गरीब से अमीर होते हुए देर नहीं लगती अगर तालीम और सही तालीम मुहैया हो गई। इसी तरह से अगर किसी के घर में बीमारी आ गई तो वो खानदान तबाह हो जाता है। इस मुल्क में गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का ज़रा सुने आप, आपने भी बड़े केसेस देखे होंगे कि साहब मैं फला अस्पताल में 10 लाख खर्चा कर लिया, 8 लाख खर्चा कर लिया। मैंने कहा आपके पास 8 लाख आए कहाँ से? किसी से कर्ज ले लिया, किसी से, मेरी वो कमेटी मिल गई, कमेटी और फ्रेंड्स एंड फैमिली होता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मैंने, लेकिन मुझे तब, अच्छा, किसी ने अपना घर गिरवी करा दिया, किसी ने अपने बीवी के जेवर बेच दिए ताकि वो बच्ची या बच्चे या बीवी के इलाज में। तो ये एक किस्म से मैं आई एम सॉरी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर, लेकिन एक कर्ज है। बीमारी और सीवियर सीरियस बीमारी, देखें मैं जिस जगह पे बैठा हूँ जिन्ना हॉस्पिटल, वो एक टर्शरी हॉस्पिटल है। देखें ना, हेल्थ के 2 पहलू हैं, एक प्राइमरी हेल्थ केयर है और एक सेकेंडरी हेल्थ। सेकेंडरी हेल्थ केयर मीन्स टर्शरी। यहाँ अस्पताल में वो काम होता है, देखो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, तशकीश, वो प्राइमरी है, या प्रिवेंशन, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के, वो तहसील हेल्थ सेंटर, THC वगैरह, DHC वगैरह पे होता है। लेकिन जानलेवा, जिंदगी बर्बाद करने वाला काम जो है ना वो टर्शरी में होता है, टर्शरी में होता है जहाँ पे खर्चे ज्यादा, जिसका इलाज कैंसर हो गया, मेजर लाइफ डिजीजेस हैं इसमें, न्यूरोसर्जरी, ट्यूमर हो गए, एक्सीडेंट्स। हमारे पास रोज के 100-150 मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स के केस आते हैं जनाब। आप देखते हैं इस मुल्क के अंदर लोग इस कदर बेहिस हैं, हेलमेट नहीं पहनना, 4-4 लोगों को मोटरसाइकिल पे बिठाना, उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, गरीब हैं, उनके पास ना कोई वसाइल हैं कि किस तरह से लेकिन उसके बावजूद चलाते हैं मोटरसाइकिल किस तरह से हैं, लाल बत्ती पर रुकना। तो जवान एक्सीडेंट्स, हमने जिन्ना में एक बिफोर साइबर नाइफ हमने एक न्यूरो ट्रामा के नाम से एक डेडिकेटेड हेड इंजरी वो बनाया डिवीज़न, और उसमें सिर्फ ये काम होता है कि जान बचाई जाए। जैसा एक्सीडेंट केस हमारे पास पहुंचता है स्ट्रेट उसको न्यूरो ट्रामा में लाते हैं। न्यूरो ट्रामा में पूरी वसाइल मौजूद, 2 ऑपरेटिंग थिएटर्स हैं, 24 घंटे का कवर है, डॉक्टर, सर्जन, नर्सेस, उसमें आईसीयू है, और अल्लाह भला करे इमीडिएटली उनका एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई सब अवेलेबल होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज टू द पेशेंट। और उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक डेथ्स की कमी आई है, लेकिन अब भी बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है एम्बुलेंस लेट आती है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो क्रिटिकल केसेस फिर भी नहीं। लेकिन आई हैव टू गिव यू क्रेडिट, इसमें मैंने जो जिन्ना में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आई अनफॉर्चुनेटली बिन देयर फॉर सम पीपल हु वर्कड विद अस हु हैड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बाइक पे, ठीक है, वो जो बाइक वाला आपको पता है किस तरह का होता है एक्सीडेंट, दोनों केसेस में जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, आई थिंक आई रीच देयर विद इन हाफ एन आवर, जिस स्पीड से वहाँ काम हुआ, जिस प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ, जिस तरह से डॉक्टर्स ने हैंडलिंग की, ऑब्वियसली फैमिलीज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ पैनिक एंड शॉक, मतलब फोकस वाज ऑन सेविंग द लाइफ। और आई वाज अमेज्ड कि ये एक गवर्नमेंट का इदारा इस एफिशिएंसी से चल रहा है एट सच ए क्रिटिकल पॉइंट इन द होल फैमिली एंड द इंडिविजुअल्स लाइफ। इट वाज फिनोमिनल। मैं जो बताना चाह रहा था कि जिन्ना का आपके सामने है कि बड़ा नेगेटिव इमेज है जी, जिन्ना इज कहते हैं स्लॉटर हाउस, जिन्ना कहते हैं कि बंदा कोई अंदर जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता है, लेकिन इस वक्त पे ये हाल है कि जिन्ना इज़ टेकिंग द ब्रंट ऑफ 70% ऑफ दिस सिटीज़ प्रॉब्लम। बाकी तो चलो बाहर से हर जगह से आते, सारे मुल्क से आते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिंध बलोचिस्तान, हर जगह से पेशेंट्स आ रहे। साइबर नाइफ एज यू नो कहीं भी नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट शौकत खानम भी काफ़ी हद तक चार्ज करते हैं बहुत सी चीज़ों के, हम तो नहीं कोई चार्ज करते, हम तो किसी को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। वहाँ तो प्रोटोकॉल है कि 60 साल से ऊपर होगा तो हम नहीं लेंगे, 3rd स्टेज से ज़्यादा होगा तो हम नहीं ट्रीट। हमारे यहाँ तो सारे शहर से भेज देते हैं जिन्ना ले जाओ। और पेशेंट एड जो है इन ट्रीटमेंट्स को फंड करता है। जी जी, नॉट सारे। हमारे पास ये है कि 28 स्पेशलिटीज़ जिन्ना हॉस्पिटल में है, एवरी कंसीवेबल एक्सेप्ट कार्डियो। कार्डियो जो है NICVD अक्रॉस द स्ट्रीट वो उनका काम। हार्ट के मर्ज के अलावा हर मर्ज का जो है इधर हमारे दरवाजे पे उसका इलाज हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रोवाइड करें। उसमें किसी भी किस्म की दवाइयाँ, किसी किस्म के कंज्यूमेबल्स, किसी किस्म की एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और पेशेंट एड फाउंडेशन का यही काम है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज है या गवर्नमेंट के पास कमी है उसको पूरा करना। अब हमारा मेन काम अब ये हो गया कि हम नए बिल्डिंग्स, आप देखेंगे किसी वक्त पे मैं आपको ले चलूँगा कि ऐसी बिल्डिंग्स बनी हैं पिछले 12-15 साल में कि जो 65-70 साल में जिन्ना में कभी भी नहीं बनी। वो आई थिंक 10 स्टोरी जो मैंने देखी है जो बनी रिसेंटली, हमारे सर्जिकल कॉम्प्लेक्स ओपीडी इन सर्जिकल कॉम्प्लेक्स जो बना है, दैट्स अमेरिका से एक माउंट सनाई हॉस्पिटल से एक पाकिस्तानी सर्जन आया था, वो बोलता है कि माउंट सनाई में ऐसे अच्छे थिएटर्स नहीं है जो तो आपके पास यहाँ बने। And this is all through donor funding, private sector funding, and now Sindh government is also assisting us, helping us directly. We are not concerned with the budget given to Jinnah. That is not anything to do with us. ये हमारा काम है। हमारा काम तो हम अपने पेशेंट्स एड फाउंडेशन के जुमरे में बिल्कुल किसी की सुनते नहीं है। माँ भी हमारा काम है कि हम सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी और सस्ते से सस्ता निचोड़ के मैं लेता हूँ, मैं खुद इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ। और प्रोफेसर तारिक महमूद मेरे कॉलीग हैं जो जिन्ना के एम्प्लॉई हैं, लेकिन ही वर्क्स विथ मी ऑन। There's a friend of mine who was telling me a story, वो आपके साथ बैठा हुआ था, जुनैद इकबाल नाम है, he's been here. हाँ, जुनैद को मैं जानता हूँ। कहने लगा कि यार I saw him negotiating the cost of chairs as if this is the chair he's going to sit on, और ये सिर्फ वो इदारे के लिए था। He said you should have seen that, you know, he said ये बिल्कुल निचोड़ देते हैं। मैंने कहा जाहिर है मेमन कम्युनिटी के मेरा नाम उन्होंने गन्ने की मशीन रखी, बोले सब कर लेते हैं, जब फिर मेरे पास लाते हैं उसको, बोले अब मुश्ताक साहब से अब बात करो। तो वो मैंने कहा डिस्काउंट दे दिया, अब तुम डोनेशन क्या देते हो, ज़कात क्या देते हो, कुछ तो निकालते हो, चेक लिखो ज़कात का, और कुछ नहीं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। बट देखें इसमें फ़र्क ये है जो स्कूल बनाने में, तालीम देने में, कि ये बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत बड़ा ट्रेजरी काम जो है, सस्ता नहीं, क्योंकि इक्विपमेंट, अब साइबर नाइफ ही ले लें, $4 मिलियन का मशीन है, कोई छोटे मोटी वो नहीं है, $2 मिलियन अंडरटेकिंग बहुत एक्सटेंड। लेकिन मैं आपसे क्या बताऊं कि शहर के लोगों में इतना जज्बा है। देखें ना, मैं तो बैठा हूं, मैं तो बातें करता हूं, लेकिन जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो देखते हैं ना कि हमारा पैसा जो है ना सही मसरफ में। देखिए आपने जो बात की थी अर्ली, आपने एक बात की थी रेप्यूटेशन की, आपने अपने जब फादर की जिक्र की थी, यू सेड समथिंग अबाउट रेप्यूटेशन, फिर आपने जब बिज़नेस शुरू किया जो आपको मदद मिली रेप्यूटेशन पे, तो एवरीथिंग इज़ बेसिकली द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेप्यूटेशन। अल्लाह का एहसान है कि हमने अपना पैसा, देखो डोनर का पैसा आता है, इवन सिंध गवर्नमेंट का पैसा आता है, हम उसको अपना सेक्रेट ड्यूटी समझते हैं कि ये हमको जवाब दे। हम इसका, सिंध गवर्नमेंट का भी पैसा उसी तरह से जैसा वो भी हमारा एक डोनर है, जैसा हमारा प्राइवेट डोनर है, तो हम उसके भी पैसे बड़ी बड़ी कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई ऐसा वेस्टेज ना हो। कोई यहाँ के चाय का प्याला भी जो हमारा है वो डोनर के पैसे से इस्तेमाल नहीं होता, उसका एक अलग हमने सेपरेट फंड बनाया हुआ है जो हम लोग पूल इन करते हैं, ताकि वो कल को किसी को ये ना आता है कि देखो हमारे पैसे पे ठाट बाट कर रहे हैं ये दफ्तर, ऐसे नहीं। हमारे यहाँ बड़ा इस पर, इवन TCF में ये हाल कि चाय बिस्किट जो है वो डोनर। हाँ, तो एक देयर इज अ स्टैट, अब मैं दिमाग में वो स्टैट का नाम नहीं आ रहा, बट देयर इज अ स्टैट दैट टॉक्स अबाउट जो डोनेशंस आती हैं एक NGO में, आई फॉरगेट द मेट्रिक, सो फॉर एवरी लेट्स से $100 ऑफ डोनेशन दैट यू गेट, कहते हैं ये हैं कि उसमें से $30 से $40 एंड्स अप गोइंग टू द एंड यूज़र फॉर हुम द NGO वाज बिल्ट, 60% एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो जाता है। आई फॉरगेट व्हाट द मेट्रिक इज कॉल्ड। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है एक इदारे की, ये बड़ा ये आप हम ये NGO स्पेस में बहुत ग्रे एरिया है, बड़ा उसको बहुत बड़े तारीफ करते हैं बड़े बड़े NGOs जो। यस, हम जाते हैं कॉन्फ्रेंसेज में तो कोई 30%, कोई 40%, कोई 50% एक्सपेंस, चीफ एग्जीक्यूटिव लाखों $1,00,000 सैलरी है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो ये आप तो कैसे मैनेज करते हो और आपका क्या परसेंटेज है जो एंड यूजर को मिलता है? हमको हंसते हैं कि बोले हम मानते नहीं आप जो बता रहे हैं, हम वी आर विद इन 10% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीजन फाउंडेशन। ओनली 10% इज एडमिन कॉस्ट। 10%, 90 सेंट्स टू एवरी डॉलर गोज टू द एंड यूजर, टू एवरी डॉलर गोज टू द रियल delivery. Or, wow, delivery. That's probably the highest in the world. Yes. This is something which is unheard of. It is unheard of. And that is the reason that today Citizens Foundation is so acclaimed all over the world. We've got a very large presence in the US, Canada, UK, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पे USA में तो charity of choices in all the Pakistani charities. नंबर 1 TCF, सिटीजन फाउंडेशन को इस कदर सपोर्ट और इस कदर सराहा जा। वी हैव गॉट सपोर्ट ग्रुप्स एंड चैप्टर्स इन 49 डिफरेंट सिटीज ऑफ द US. दिस इज द काइंड ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा में स्टैंडिंग है। एंड डू यू थिंक दैट द पेशेंट एड फाउंडेशन कैन रीच द सेम लेवल? वेल, मैं आपको ये बताऊँ, पेशेंट एड फाउंडेशन की जो डिमांड, देख, बिकॉज वी आर सिटिंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम, और आप सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में। तो क्या आप ये सोचते हैं कि कभी हॉस्पिटल ऑपरेटर बन जाएं, फंडिंग लें और आप टेक ओवर हॉस्पिटल्स इन द सिटी? हम ये करेंगे इंशाल्लाह, ये हमारे प्लान्स में है कि हम एक बहुत तकरीबन हमारे ड्राइंग बोर्ड पे ये प्लान तैयार है कि हम एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसके हम मालिक होंगे। इस वक्त पे तो जिन्ना मालिक है हर चीज़ का, हम जो बना के दे रहे हैं वो जिन्ना की मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत तो नहीं है कि वो ज़मीन जिन्ना की है, गवर्नमेंट की है। लेकिन अब जो हम बनाएंगे जैसा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी अदीब रिजवी साहब का है, दैट्स अ इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, और वो उनका गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना, वैसे तो हमारा भी लेना दे, लेकिन जनरली स्पीकिंग बट यू आर डिपेंडेंट ऑन, वी आर डिपेंडेंट। अब हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं कैंसर का, राइट, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च। दिस इज गोइंग टू बी अ मैमथ 3 times bigger than Shaukat Khanam Karachi, and we will be inshallah, we are just in the final stages of getting the land. Banega to Jinnah mein, lekin we will the masters or the owners of running it, totally running it. So this is the kind of vision हम जो लेके चल रहे हैं। तो उसमें जो है ना, क्योंकि हमारी क्योंकि देखा हमारा जो एंड जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो गरीब से गरीब। रोज़ के 12,000 लोग जिन्ना में आज भी आते हैं इलाज के लिए। रोज़ के 12,000 में से 95-98% सब ट्रीट होके चले जाते, 2-3-4% उनके फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए दाखिल होते। और मैंने जैसा बताया ना कि ऐसे ऐसे स्टैट्स हैं, 2000 रेडियोलॉजिकल सर्विस, कोई पाकिस्तान के रीजन में आपको ये फार ईस्ट में और इंडिया में और कहीं भी इतना बड़ा MRI CT स्कैन का 5 MRI 6 CT स्कैन, जितने पूरे कराची में CT स्कैन होते हैं उतने सिर्फ जिन्ना में अकेले होते हैं, अंदाजा लगा। ये आगा खान जो है 50 CT स्कैन करते हैं तो सर पे ढंडोरा पीटते हैं, तो साथ में 40,000 रुपये एक आदमी से ले लेते हैं। एक धेला हम नहीं लेते हैं और 375 CT स्कैन रोज के करते हैं। तो एनीवे these are things. इसमें मुझे एक बात बताएं, मैं I'm listening to all of this, I'm so inspired by this. You have a service mindset, एक servant leadership का concept है, to give back, stand behind. जी, जी. और आपका एक passion है, just by what drives you, you said Pakistan drives you. Why would you not run for a prime minister or a position where you can help make this impact at scale? मतलब wouldn't that be the ultimate way to serve this country? आपको बताऊं, सियासत में ना आए, मैं ये नहीं कह रहा सियासत में आए, बट लेकिन उस लेवल पे कभी आपने सोचा है कि मैं इस नेशनल लेवल पे आके सर्विस करूं? मैंने कभी नहीं सोचा है, ना सोचना है, और अब जिंदगी में इतना टाइम भी नहीं है कि मैं सोच सकूं। तो अब ये है क्यों नहीं सोचा है? अब ये देखो, मेरा पैशन या मेरा सोच जो है ना, या मेरे दोस्तों की भी सोच ये है कि अब जो काम हम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाए, वो लेगेसी बन जाए, वो ये ना हो कि भाई आइकॉनिक। हमारे यहाँ कोई आइकॉन नहीं है, मैं बिल्कुल एक अदना सा आदमी, मैंने बताया ना मेरी कोई क्वालिटी नहीं है। अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहा है, मेरी अल्लाह की मेहरबानी है, बाकी मेरे ज़ात में कुछ नहीं है। आप में कोई ऐसा स्पेशल, ना मैं अकाउंट्स का पढ़ा लिखा हूँ, ना कोई मैंने मेडिकल उस फील्ड में किया। बहुत सी दफ़ा मजाक होता है, मैं बैठा होता हूँ जिन्ना में डॉक्टर तारिक के साथ, तो वो समझते हैं कोई सफ़ेद बाल वाला है, बहुत सीनियर डॉक्टर है, तो तारिक को दिखाने के बाद मुझे बोलते हैं सर साहब आप भी देख लोगे ये इसका प्रिस्क्रिप्शन, तो मैं देख लेता हूँ उसका दिल रखने के लिए। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अब जो अल्टीमेट ख्वाहिश है ना कि सिटीज़न फाउंडेशन एक इदारा चलता रहे हमेशा, उसके लिए सक्सेशन is in place, institutionalized. उसका सक्सेशन दो तरफा है, एक मैनेजमेंट का सक्सेशन और एक बोर्ड पे सक्सेशन। क्योंकि अब देखें ना, हम उस उम्र के धारे में, पता नहीं अल्लाह ने कितना टाइम दिया है, तो उस टाइम के अंदर ये काम जो है इतना बड़ा है कि इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो भी उसका साथ देंगे, ये फ्लैग बेयरर्स बनेंगे TCF के लिए और पाकिस्तान के लिए। सिमिलरली जिन्ना का जो काम हो रहा है ना, वो भी हम चाहते हैं कि ये एक मूवमेंट चल पड़ा है और इसमें और अच्छे लोग जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं आस्ते आस्ते, वो इसको लेके आगे। तो मेरा कोई एस्पिरेशन इससे आगे नहीं है, ना कहीं सियासत में जाना है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही यूज़लेस प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, क्योंकि ये सिस्टम मुझसे नहीं चेंज हो सकता। मैं अब आपसे आखिरी सवाल करूंगा, क्योंकि एंड आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ट। हमारे एट माय एज ग्रुप, लेट्स से मिड 30s to mid 40s का जो एक बैंड है, राइट, we're all driven कि यार अभी build करनी है हमें life, we have to create a certain level of wealth, support the family, kids, college, खर्चे, बीमारियों की you know whatever. इस point पे हम एक सवाल हमारे जहन में घूमता रहता है कि create wealth, wealth creation का एक सवाल है. And everyone defines wealth differently. After all these years of experience working with a number of industrialists, खुद आपकी industry और business है जिसको आप let's say कम time देते हैं लेकिन वो है, फिर आपने philanthropy भी इतना time दिया और इतना achieve किया. Looking back today, how do you define wealth? Good question. But मैंने बताया ना हम तो टेढ़ी सोच के लोग हैं. हो सकता है कि मैं आपकी उम्र में जब था मेरे लिए भी वही सोच थी 30 से 40 साल की उम्र में कि ये पैसा बनाया जाए बच्चों के लिए, पैसा बनाया जाए इनकी तालीम के लिए, पैसा बनाया जाए कि स्टेबलाइज फैमिली हो जाए. मैंने बहुत बुरा वक्त भी देखा है और बट लेकिन मैंने बताया ना कि अल्लाह ताला के ईमान में कभी कमी नहीं रही, तो I've always been very confident के कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा एंड निकला है अल्हम्दुलिल्लाह. देखें सर, हम अपने इस्तिलाह में, हमारे पाकिस्तानी इस्तिलाह में जो है वो औलाद भी वेल्थ है और फैक्ट्री और इन्वेस्टमेंट्स भी एक किस्म से एक सिक्योरिटी और वेल्थ है. और हम जागीर और जायदाद भी बनाते हैं इसलिए कि भाई हम मेरे मरने के बाद जो है, बट ये मटेरियल चीज़ है मेरे नज़दीक जो है इनकी कोई हैसियत, इतनी हैसियत नहीं है. देखा ना, ज़रूरत तो है, वो तो पूरी करनी है. ज़रूरत यह है कि इंसान कंफर्टेबल ही रहे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दे सके. मैं समझता हूँ कि एक जो है ना अपनी सोच, वो बहुत ज़रूरी है. सोच की जो वेल्थ है ना, वो कोई ना आपकी वेल्थ वो ले सकता है और ना, और वो सोच ये है कि आपके दिल में एक डिज़ायर, एक फ्लेम होनी चाहिए कि ये सब करने के बाद मैं अपने वजूद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकता. लेकिन हर कोई अपने फ्यूचर को पैसे से लिंक करता है, ठीक है, ऐसे ही है. मेरे ख़्याल से वो थोड़ा सा, मैं नहीं कहता हूँ वो बुरी सोच है, अच्छी सोच है, लेकिन वो अल्टीमेट सोच नहीं होनी चाहिए. वो सोच में आपको एक और जाविया या एक और सेगमेंट या एक और साइलो डेवलप करना होगा कि यार मैं इस सोसाइटी के लिए क्या करता हूँ. आप आज जो अपना कारोबार करते हैं, जो अपने डिजिटल उसके लिए काम करते हैं, उसमें ठीक है, दैट इज़ योर प्रोफेशन, दैट इज़ योर बिजनेस, बट उसमें एक अंसर अच्छाई का भी, अच्छाई से मुराद ये कि उसमें एक ऐसा सोशल एंगल भी आना चाहिए. चाहे इट स्टार्ट्स विद दी स्टाफ, चाहे इट स्टार्ट्स विद दी, देखे ना हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इस मुल्क में, मुझे कल एक साहब बहुत पढ़े लिखे थे, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई एब्जेक्ट पॉवर्टी रास्तों पर नज़र नहीं आती. हालांकि ये वो वर्ल्ड बैंक के जो स्टेट्स हैं उसमें देखो तो बोले इतने % अंडर द $2 a day पाकिस्तान, लेकिन अनलाइक बांग्लादेश, अनलाइक इंडिया, यू डोंट सी पीपल बिकॉज देर इज़ अ सेफ्टी नेट सराउंडिंग आवर पीपल. आप देख लो, किसी की बच्ची की शादी होगी तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला पैसे बना देता है, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से इकट्ठे होके कोई उसकी कमेटी भी आ जाती है और पता नहीं क्या होता है. सिमिलरली कोई भूखा नहीं सोता है, आप देख लो, ठीक है, ये रास्ते पे आपको नज़र आते हैं प्रोफेशनल बेगर्स, बट जनरली स्पीकिंग देर इज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी फ्रॉम दिस नेट. सो मेरा कहने का ये है कि मेरे नज़दीक जो वेल्थ है ना, वो आपकी सोच की वेल्थ है, और वो सोच जो कौम को बनाती है, जो बुनियादी तौर पे अपने से हट के मुझे ये फीलिंग हो यार ये मैं इसका. मुझे एक फ़ोन आता है, मैं जानता नहीं उस बंदी को, मेरा पेशेंट मर रहा है, इधर खून की ज़रूरत है, आप कहीं से बंदोबस्त करो. इमीडिएटली इंसान सोचता है यार ये अगर मैं ज़बान चला के कर सकता हूँ, अपने हाथ में पावर है, हाथ से कर सकता हूँ, किसी को बोल के कर सकता, वाई नॉट. सो दिस इज़ वॉट आई फील शुड बी अपने हर पाकिस्तानी की फ्यूचर की सोच कि भाई मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए किया तो क्या किया यार, लेकिन किसी और के लिए भी तो सभी सोचो. कुछ पैसा अलग से निकाल दिया यार, ये मैं अपने कुछ वक्त अपना दे दिया, लेकिन टाइम इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. सो इट डजंट हैव टू बी मनी व्हिच यू गिव, इट्स योर टाइम दैट. चेक लिखना तो बहुत आसान है यार, लेकिन वक्त देना बहुत मुश्किल है. अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं यार ये हमको मत बोला, हमारे साथ ये लो पैसे ले लो, जान छोड़ो, वक्त कोई नहीं देने को तैयार. तो ये अगर इंसान कर ले अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा, हम नहीं बोल रहे भाई कि तुम रोज़ आ जाओ, हफ्ते में निकाल सको 2 घंटे, महीने में निकाल सको 1 दिन, हर कोई निकाल. वक्त तो किसी के पास नहीं है. यू डोंट हैव टाइम, आई डोंट, ही डजंट हैव टाइम. एवरीबडी इज बिजी विद देयर प्रोफेशन, वर्क, फैमिली प्रॉब्लम, निकलने से निकलता है. तो ये जो है ना, अगर हम सब ये सोच लें ना, तो दिस विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव. I completely agree with you. In fact, this entire conversation is my way of giving the time. कि document करें उन लोगों को जिन्होंने कुछ अच्छा किया हो, और अगर एक भी इससे inspire हो गया conversation से, तो शायद हम एक ripple effect create कर सकते हैं. आप लोगों को awaken कर रहे हो कि ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है. हम नाउम्मीदी में रहते हैं सारा टाइम, यानी ये तो इस मुल्क में कुछ नहीं है, होपलेस. Until you hear one inspiring story. खत्म. Exactly. खत्म है. किधर से खत्म है भाई? इधर ये 25 करोड़ लोग कहीं जा सकते हैं यार, मुझे बताओ. कोई नेदरलैंड से, डेनमार्क थोड़ी कोई साला यार. Sir, it was a privilege and an honor to chat with you. बहुत मज़ा आया. मैं तो I can keep going on, लेकिन हमारी batteries और cards are running out of space. मेरी भी battery. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला. आई एम ऑनेस्टली इंस्पायर्ड. जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, काम किया है, जिस तरह आपने लोगों को मोबिलाइज़ किया है, 7 टीम्स बिल्ड की हैं, मतलब इट्स रिमार्केबल. एंड आई होप के समवन वाचिंग, आई एम इंस्पायर्ड, आई नो आई विल टेक एक्शन ऑन दिस. आई होप समवन वाचिंग आउट देयर इज़ इंस्पायर्ड एंड टेक्स एक्शन एज वेल. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड अस्सलाम वालेकुम. एंड थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इनटू डिजिटल. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स नेक्स्ट वीक. Subscribe and like and comment. I respond to your comments. I love your comments. Keep them coming. Bye-bye.